विक्की पुत्र ओए रुक जा, ओए भूख के चक्कर में ना प्लेट मत खा जियो। क्या भिखारी जैसी शक्ल बना के बैठा है तू, गरीब कहीं का। परजाई जी, खाना तैयार है। बच्चों को और बाकी सबको दे दो, मैं बाद में खाऊंगी। ठीक है परजाई जी। धर्मपुरा भी बाकी जगहों जैसा हो गया। देखो तो, फिर एक चोर ने एक औरत की चेन खींच ली। रोज कुछ न कुछ होते ही रहता है। ओ भाभी जी, ओ पुलिस कुछ करती ही नहीं। अपनी हिफाजत के लिए हमें भी सावधान रहना चाहिए। अरे प्रकाश पर्व आने वाला है, सोच रही हूँ सवेरे सवेरे रोज गुरुद्वारे हो आया करूंगी। हाय रब्बा, चंगा है जी, मैं भी चला करूंगी पर जाए जी। हाँ हेरे हेरे ठीक। मम्मा मैं भी चलूंगा रोज गुरुद्वारे। मैं भी जाऊंगा रोज। और ये तो चंगी गल है। वैसे भी तुम लोगों के स्कूल बंद है, अब चलो जल्दी नाश्ता खत्म करो। ये मालूम है, मैं चोर को एक फेंक दूंगा ना, डायरेक्ट दिल्ली जाके गिरेगा। इतनी दूर? ये तो बहुत कम है। मैं इसी जोर से फाइट मारेगा ना, डायरेक्ट बॉम्बे जाके गिरेगा। नहीं नहीं, दिल्ली तो की ठीक है, तो इतनी मेहनत क्यों पड़ता है यार। हम तो जा रहे हैं गुरुद्वारे, हम तो गुरुद्वारे जा रहे, हम तो गुरुद्वारे जा रहे हैं। जाओ पकड़ने गए हैं, जो शॉर्टकट से जाना होगा। रुक होते, भागता किधर है? आ चुप। खबरदार, अरे एक कदम भी आगे बढ़ा है ना,
पेट का सारा जूस यहीं निकाल कर रख दूंगा। ओए, तू गुंडा है या जूस वाला? आ, लड़क, लड़क, आल पिजार, पिजार। शाबाश कमलते। बाबा जी, मैं इस चीज़ ऐसेर को नहीं छोड़ूंगा। रुक कर रहा, मैं भी आ रहा हूँ। और तुझे कुछ हो गया ना, तो प्रीतो मनु नहीं छड़ेगी। ओए खोते दे पुत्र, उसके पास चाकू है। ओ रुक जा। ओए। और रुक, ओए कितने जा रहा है? ओए ये चीटिंग है, फिर से चाकू। मुझे छोड़ दो, मैं तो ऐसे ही भाग रहा था। आंटी जी ने बोला था कसरत करोगे तो सेहत अच्छी रहेगी। भागने से ना कसरत हो जाती है ना, सेहत अच्छी रहती है। बेचारा घबरा गया है थोड़ा, कोई बात नहीं पुत्र। मैं तो नन्ना से मुन्ने से बच्चों को छोड़ दो प्लीज। मुझे मिट्टी को बचाना ही होगा। चौथा बटन राहुल ने क्या बताया था? चौथा बटन राहुल ने बताया था, चौथा बटन दबाने से कोई भी इंसान फ्रीज हो सकता है। मेनू की हुआ? मेनू की पता? स्टैचू स्टैचू खेल रहा है। इस वक्त इससे टकराना ठीक नहीं होगा। मंतू के साथ मैं भी फंस गई तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। मेनू की हुआ? प्रजाय जी, मुझे लग रहा है योगा कर रही है। योगा? हाँ। वेक की रहे, उसकी जेब से चेन निकालो। हाँ। आज जल्दी निकालो मेरी चेन। हत्तर की, कहीं इन सब लोगों को भी मेरे मैजिक मोबाइल का पता ना लग जाए। ओ जी, एक चोर से खाना पूछी कर रहे हैं। जल्दी से चेन निकालिए और इधर आ जाइए। मम्मी पापा भी योगा कर रहे हैं। तो चुप कर, मैं देखती हूँ। आओ जी। और मम्मी पापा दोनों योगा कर रहे हैं। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। मिकी, जीत प्राजी, ओ प्रीतो, आयो रब्बा, की हो रहा है? मेरा पुत्र किथे है? रविंदर, क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया, लगता है जाम होने की बीमारी है, वो भी आइसक्रीम वाली। सच बोल। राजी सत श्री अकाल। ओ ये क्या जी, आप लोग धरना दे रहे हैं?
10 मिनट होने वाले हैं, कहीं ये चोर फिर ना भाग जाए। आयो रब्बा। प्रहलाद जी, लेकिन आपको हुआ क्या था वो तो बताओ। ओ प्रहलाद, ओए मनु, कुछ नहीं हुआ था। ये खोता ना तो निगी चेन चुरा के भाग रहा था। ऐ देखो, इसे थाने ले जाओ। ए चल, और तेरी तो रेल बनाते हैं। आजा ले जाइए थाने। चलो ये मिल गई चेन। मैंने इसे लॉकर में रखूंगी आप। हाँ हाँ, छोटी सी चेन के लिए जिसने मेरे वफादार साथी घुमंतु को गिरफ्तार करवाया ना, उसे मैं बर्बाद कर दूंगी। जब मैं उसके पीछे भाग रहा था तब वो घबरा के बोला, बाजी बाजी मुझे छोड़ दो, मैं तो कसरत करने के लिए भाग रहा था। और फिर मैंने उसको ऐसी फाइट मारी कि वो ऐसे अकड़ गया, और तू तू तो उसको देखकर छुप गया था। डरपोक डरपोक। रविंदर आया। मम्मा, मम्मा जरूर मैजिक वाली बात पूछने के लिए ही बुला रही होंगी। मुझे कोई तरकीब लगा कर टालना होगा, वरना मम्मा बहुत गुस्सा हो जाएंगी। मम्मा, चोर लोग गंदे काम क्यों करते हैं? उनके मम्मी पापा उन्हें डांटते नहीं? पुत्र, गलत काम के लिए सबके मम्मी पापा डांटते हैं। तो फिर वो चोर क्यों बन जाते हैं? क्योंकि वो बचपन से ही गलत काम करते हैं, अपने मम्मी पापा से झूठ बोलते हैं। उनकी इन्हीं आदतों के कारण वो बड़े होकर चोर और डाकू बन जाते हैं। इसीलिए अपने मम्मी पापा से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और मैनू पता है कि मेरी सोनी कुड़ी मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती है ना। तो चल सच सच बता कि उन चोरों को पत्थर बनाने में तेरा हाथ था या उस सिमसिम का? मम्मा, वो मम्मा मम्मा साफ साफ बता पुत्र। परजाई जी, नीचे ना पुलिस इंस्पेक्टर आए हैं, वो चोरों की बात करने के लिए। हाँ, मैं अभी आई पुत्र। चलो। वाहे गुरु, आपने मुझे बचा लिया। लेकिन मैं मम्मी से झूठ नहीं बोलना चाहता, आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए ना। किस रास्ते की बात कर रहा है? रास्ता तो तू छोड़ के भाग गया था डरपोक। आंटी जी के शेर पुत्र की टाइटल फीस हो गई क्या आज? आज कुछ ज्ञान की बात नहीं करेगा डरपोक। हाँ, मैं तुम्हारी बादरी देख चुका हूँ। जिस चोरों के सामने रो रहे थे, तुम्हारी टाइटल फीस हुई। मैं तो कसरत कर रहा था, मेरी बात छोड़, खुद की टाटा फीस हो गई ना तुम्हारी। डरपोक डरपोक मिकी इज अ डरपोक, रविंदर इज अ डरपोक, रविंदर इज अ डरपोक। ए चुप, डरपोक बिल्ला, डरपोक बिल्ला, डरपोक फीस तेरी। शांत, क्यों शोर मचा रहे हो? क्यों होया? कुछ नहीं, हम लोग अंताक्षरी खेल रहे थे। छुट्टियों में ना ये बच्चे कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे हैं। एक काम करती हूँ, वीर जी से कहकर इनके लिए कैरम बोर्ड मंगवा लेती हूँ। फिर तो शोर नहीं मचाओगे, शांति से खेलोगे। थैंक यू मम्मी, थैंक यू चाची जी। मैं तो मुझे कोई नहीं हरा सकता, और आज तेरी बारी है। भूल जाओ, जो गेम जीतेगा उसको हारने वाले की हर बात माननी पड़ेगी। आप
तेरी हर चुनौती मंजूर है। चल आजा मैदान में। आजा मैदान में, लेकिन हमारी टीम का नाम है ब्लैक कोबरा। हमारी टीम का नाम है शेर पंजाब। ये हुई ना बात शेरों वाली। बस अब तुम हारने वाले हो। और अब ब्लैक कोबरा आने वाली है, समझे? चाहे कुछ भी हो जाए मैं रविंदर से नहीं हार सकता। जब चेन स्नेचर मम्मी के गले में से चेन चुरा सकता है तो मैं गहरे मोड में से चुपके से कुछ गोटियां नहीं उठा सकता। मैंने जीत ली। जीत लिया चुरा ली। ए मोटे, तू चोर है, मैं नहीं। गोल्डी यही पे थी, तू झूठ बोल रहा है, तूने चुराई है। मैं नहीं, तू चोर है। तू झूठ मत बोल। तू झूठ मत बोल। तूने चुराई। तूने चुराई। चुप। जो हुआ सो हुआ, अब कोई चीटिंग नहीं करेगा। ठीक है, चलो। कब चुराई? ये तो मेरी थी। अबे तूने गोटी चुराई? तुम शेरे पंजाब हारने लगे तो बेईमानी पे आ गए। हम हार गए? झूठ बोलता है। शेरे पंजाब की टाइटेविस ऑफिस ऑफिस। रुक, अभी तुझे बताता हूँ। तेरी तो मुझे कैसे भी करके इनकी लड़ाई रुकनी होगी वरना मम्मा बहुत गुस्सा करेंगी। रुक जा फल्ली। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना तुम किसी को नहीं मारोगे। मैं आपसे वादा करता हूँ पाजी कि आज से मैं अपनी सारी शक्ति पॉजिटिव कामों में लगाऊंगा। ऐसे काम जिससे मेरी माँ को, मेरे दोस्तों को और पूरे पिंड को गर्व हो। सॉरी यार। कोई बात नहीं, तुम घर जाओ। निकी तूने बेईमानी तो की थी ना। चुप, दोस्ती की दुश्मन, तू भी जा घर। रुक जा निकी। मैं बात सुनो। क्या है जल्दी बोल, मेरे पास हारे हुए लोगों के लिए टाइम नहीं है। मैं बात सुनो ना प्लीज। प्लीज जल्दी बोल, मैं बजा रहा हूँ। अच्छा सुन सुन, देख तूने आज कैरम में बेईमानी की है, गोटियाँ चुराई हैं। मम्मी कहती है कि ये ठीक नहीं है। बचपन की छोटी छोटी गलतियाँ आगे चलकर बड़ी हो जाती हैं। चोर है डग्गू मैंने, तू और तेरा दोस्त खली बनेगा। और चीटिंग मैंने नहीं, तूने और तेरे दोस्त ने की थी। लेकिन मुझे नहीं, अपने दोस्त खली को दो। मैंने तुझे हरा दिया, डरपोक डरपोक बेईमान। मैं जानता हूँ इसकी बेईमानी तुम नहीं की है और झूठ भी तुम बोल लो।
लेकिन मैं अपने भाई को झूठा और बेईमान नहीं बनने दूंगा। इसके लिए मुझे मैजिक मोबाइल का ही सहारा लेना होगा। चोरों और जेब कतरों की मल्लिका हिंदुस्तान, सुनहरी जी की तिजोरी हमेशा हीरे और जेवरातों से भरी रहे। उस लड़के का कुछ पता चला मक्खी? जी मल्लिका, इस नाचीज मक्खी ने सारे गांव की उड़ान भरी है। और ये भी पता चला कि गुमंटू को जेल भेजने वाला कौन है। कौन है वो? रविंदर है मल्लिका। रविंदर रहता कहाँ है? रविंदर सदन में। रविंदर सदन? तो फिर नाचीस मक्खी ने रविंदर सदन की भी उड़ान जरूर भरी होगी। जी मल्लिका, पता चला है कि ये परिवार इस गांव का जमींदार परिवार है और सबसे मालदार भी है। ओह, रविंदर, तू जानता नहीं है तूने किससे पंगा लिया है। चोरों और जेब कतरों की रानी सुनहरी से। अब देखना, मैं रविंदर सदन में ऐसा डाका पड़वाऊंगी कि वहां रहने वाले दाने दाने के मोहताज हो जाएंगे। और मैजिक मोबाइल, थोड़ी मस्ती, थोड़ी